नमस्कार, इस खास पेशकश के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में वार्डों को लेकर मतदान पूरा हो चुका है। करीब करीब कह सकते हैं छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। बिहार के 35 जिलों में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई। 12,987 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है। वोटिंग के दौरान भागलपुर के वार्ड 46 के सैकड़ों मतदाता अपने नाम को मतदाता सूची से गायब पाकर हंगामे पर उतर आए। भागलपुर में ही एक वार्ड में पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी करते युवक को गिरफ्तार किया गया, तो गया में एक प्रत्याशी के पति के अपहरण के आरोप में एक गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। वार्ड बार में कुछ ऐसे ही घटनाओं और मतदान में खलल डालने वाले छिटपुट घटनाओं के बावजूद शांतिपूर्ण रही पूरी प्रक्रिया। मंगलवार सुबह 8 बजे मतगणना होगी। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार के वार्ड बार की। बिहार के 35 जिलों के 100 नगर निकायों में पहले चरण का मतदान हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्ण रहा। 12,987 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मंगलवार को सुबह 8 बजे से मतगणना होगा और वार्ड वार का नतीजा सामने होगा। आइए मतदान के कुछ फैक्ट्स और कुछ घटनाओं पर नजर डालें। तो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मतदाताओं में उत्साह रहा इन नगर निकाय चुनाव को लेकर। काफी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब तक शुरुआती जो आंकड़े मिल रहे हैं, करीब 60% से अधिक मतदान हुआ है और मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की इन लंबी कतारों को देखकर समझा जा सकता है कि वो कितने उत्साहित हैं अपने वार्ड के सदस्यों के चुनाव को लेकर। तो अब मतदान से जुड़े कुछ आंकड़े आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये मतदान की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई है और क्या जानकारियां सामने आ रही है। सीतामढ़ी में 62% मतदान, मोतिहारी में 65%, कटिहार में 62%, जबकि बगहा में 70.71% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो वहीं शेखपुरा में 59%, बांका में 71%, समस्तीपुर में 65% और लखीसराय में 75% मतदान हुआ है। सहरसा में 68%, पूर्णिया में 64.45%, अररिया में 65%, जबकि भागलपुर में मतदान प्रतिशत और जगहों की तुलना में कम, कह सकते हैं 52% मतदान हुआ। बक्सर में 64, आरा में 61.66%, कैमूर में 75%, तो नवादा में 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीतामढ़ी में 62%, मोतिहारी में 65%, कटिहार में 62%, बगहा में 70.71%। चलिए अब इस मतदान से जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं किस तरह से क्या कुछ हुआ इस पूरे मतदान प्रक्रिया के दौरान। तो बिहार के अलग अलग जिलों में मतदान कराया गया। वार्ड के प्रत्याशियों के चयन के लिए मतदाता घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तमाम जगहों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कह सकते हैं कि मतदाता इस वार्ड वार का फैसला करने को लेकर काफी उत्साहित दिखे। ईवीएम से मतदान कराया जा रहा था और मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। गया में सबसे ज्यादा 492 प्रत्याशी इस वार्ड वार में
हम ठोक रहे थे तो भागलपुर में 391 प्रत्याशी, मुजफ्फरपुर में 384 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, तो गोपालगंज में सबसे कम 40 प्रत्याशी, गोपालगंज के कटैया नगर में सबसे कम 40 वोटर, जबकि किशनगंज के ठाकुरगंज में 43 प्रत्याशी। सीतामढ़ी में क्या स्थितियां बनी और किस तरह से मतदान के बाद कहा जा सकता है, हमारे संवाददाता अमरनाथ सहगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, कैसा हुआ ये वार्ड वार सीतामढ़ी में? देखिए, सीतामढ़ी मतदान तो शांतिपूर्ण ही चल रहा था, अचानक 3 बजे करीब में वार्ड नंबर 2 में सोल गौशाला के पास दो पक्ष की मतलब दो प्रत्याशियों के बीच में और समर्थकों के बीच एक जम के झड़प हुई, जिसमें काफी लोगों को चोटें आई और उसमें पुलिस मौके पर पहुंची, 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि सीतामढ़ी में अब तक 62% का मतदान होने की सूचना है। जी अमरनाथ, और पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा? बिल्कुल शांतिपूर्ण, घटनाएं तो कई जगह घटी है, कहीं पर तो ये भी हुआ कि जो पोलिंग एजेंट थे उन पर भी आरोप लगे कि पैसे लेके काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर भी पुलिस हिरासत में ले लिया है। ये ओरिएंटल स्कूल का मामला है जो वार्ड नंबर 15 पड़ता है। इस तरह से मिला जुला के पूरी शांतिपूर्ण इलाके छुट्टीपूर्ण घटनाएं तो हुई है, मारपीट की घटनाएं ज्यादा घटी है। जी धन्यवाद अमरनाथ इन जानकारियों के लिए। तो सीतामढ़ी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दे तो उसके बावजूद प्रत्याशियों का फैसला करने में मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला, 62% मतदान कराया गया। मोतिहारी से हमारे संवाददाता ब्रजेश झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं मोतिहारी में किस तरह का वार्ड वॉर देखने को मिला। जय ब्रजेश। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 नगर परिषद और 3 नगर पंचायत का चुनाव यहाँ पर हुआ है, जिसमें कुछ बूथों पर हल्की फुल्की झड़प का या झड़प की बातें सामने आई है, जिसमें से अगर देखा जाए तो मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 16 के बूथ संख्या 2 पर 2 प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें दोनों प्रत्याशी को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया और उसके बाद मोतिहारी नगर परिषद के ही आपको वार्ड नंबर 2 में भी हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें समर्थक आपस में भिड़े थे और वहां पर भी अच्छी खासी मारपीट आपस में लोगों के बीच हुई थी। इस तरह यहां पर छोटी मोटी हिंसक झड़प के बावजूद भी शांतिपूर्ण यहां पर चुनाव कहा जाएगा, लेकिन सबसे कम मतदान जो है वो मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र में ही हुआ है और सबसे अधिक जो है वो चकिया नगर पंचायत क्षेत्र में हुआ है, 80% चकिया नगर पंचायत में हुआ है और सबसे कम जो है वह 62% मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र में हुआ है। ऐसा देखा गया है वोट प्रतिशत की कमी को लेकर के, जब इस बहुत से मतदाता ऐसे हैं जो कि धूप कड़ी धूप के कारण भी नहीं निकल पाए और जो कुछ ऐसे मतदाता हैं जो वोट जो वर्तमान प्रत्याशी है उनसे खुश नहीं थे, जो खड़े थे उनसे खुश नहीं थे, इस कारण से भी वोट देने वो नहीं आए। इस तरह ले अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। जी ब्रजेश, प्रशासनिक इंतजाम चाक चौबंद दिखे? जी, इस तरह हर एक बूथ पे जो जिला पुलिस बल थी वह उसकी उनकी व्यवस्था की गई थी, जो पेट्रोलिंग में थे, पेट्रोलिंग के अलावा गश्ती में मोटर बाइकर्स थे, पुलिस बाइकर्स थे जो कि गश्ती में थे, उसके बाद स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा रनिंग मजिस्ट्रेट की भी व्यवस्था की गई थी और डीएम और एसपी खुद जो है वो प्रत्येक बूथ पे लगभग अधिकांश बूथ पे जाकर उन लोगों ने चुनाव को खुद देखा और निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण चुनाव जो है वह कराने के लिए खुद भी वो हर एक बूथ पर घूमे हैं। जी धन्यवाद ब्रजेश इन जानकारियों के लिए। तो मोतिहारी में भी छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दे तो प्रत्याशी और उनके समर्थकों के आपसी भिड़ंत के अलावा तमाम जगहों पर शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है और मतदाताओं का अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। हालांकि कुछ जगहों पर जोरदार भिड़ंत भी देखने को मिली, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। भागलपुर में क्या स्थिति रही और वार्ड वार का क्या हालात बना, देख जानते हैं अपने संवाददाता सुशील से। सुशील, क्या कुछ पूरे इस मतदान प्रक्रिया के दौरान खास देखने को मिला वहां?
बिल्कुल दीपक, देखिए जब सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू होना था तो, लेकिन जो मतदान शुरू होने के पहले से ही करीबन 70% माना जाए कि हर एक मतदान केंद्र पे ईवीएम मशीन का खराबी, सबसे पहले ये परेशानी सामने आया। जब ईवीएम मशीन ठीक हुआ तो लोग जो है बोकस वोट को लेकर जो है इस प्रत्याशी में जो समर्थक थे उसमें भिड़े, और उसी बीच में एक सबसे बड़ा मामला दीपक सामने आया गया कि भागलपुर में एक जो मतदान केंद्र पे एक युवक जो है वो पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा लगाते हुए सामने आया, तो उसको पुलिस ने तत्परता दिखाते और उसे पूरी कार्रवाई की और उसको वहां पर जमकर खत जारी की और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। उसको हालांकि उसको बाद में पूछताछ के दौरान में छोड़ दिया गया, लेकिन मामला जो संज्ञान आईजी डीआईजी सारे लोग ले चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो उसके हालांकि हो सकती बाद में गिरफ्तारी भी हो। लेकिन जो आप बता रहे कि भागलपुर जिला के आसपास जो नवोच्छा अनुमंडल है, वहां पे नवोच्छा पुलिस जिला कहा जाता है, वहां पे ईवीएम मशीन भी तोड़ा गया और जो बोकस वोट को लेकर जो है आपस में दो समर्थक जो है भिड़ गए, वहां पे पत्थरबाजी की गई, लाठीचार्ज किया गया। तो ये तमाम चीजें छिटपुट घटनाएं जो जो नगर परिषद में जो चुनाव था वहां पे लगातार वहां पे देखने को मिला कि एक दूसरे को पत्ता थे जो है वहां पे भिड़े और ये भिड़े और कई लोग जख्मी भी हुए हैं, वहां के जो भी जख्मी हुए हैं। तो ये पूरा पुल कहा जाए कि ये अब जो गर्मी का भी मौसम था यहाँ पे ज्यादा, तो काफी कम की संख्या में यहाँ मतदान का वोटिंग हुआ, परसेंटेज कहा जाए कि 50% पूरे भागलपुर जिला में कहा जाए। और आपको कहलगांव में भी इसी तरह का हालात बनी गई कि 2-3 अधिकारी को जो तैनात किया गया था मतदान केंद्र पे, उसको हटाना पड़ गया ताकि, क्योंकि वहाँ पे मतदाता जो है काफी असुरक्षित के थे। तो ये फिर आपसे सुल्तानगंज इलाके में भी जो है दो समर्थक अपने में आपस में भिड़े। उसके बाद भागलपुर जिले की बात कर रहे हैं खासतौर पर शहर में और आसपास के इलाके में नाथनगर में, वहां भी लाठीचार्ज किया गया। तो छिटपुट घटनाएं होती रही, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का जो बड़ी घटना होने की वो नहीं, मतलब वो प्रशासन तैनात रहने के कारण जो वो बता लिया गया। और आपको बता दें गर्मी के कारण जो है मतदाता जो है सुबह में निकले, लेकिन ईवीएम मशीन खराब होने के कारण जो है मतदाता जो वोटिंग होना था वो कम हुआ है। और उसके दोपहर में जो दोपहर माहौल था यहाँ पे गर्मी बढ़ने के साथ माहौल भी गर्मा गया। लेकिन सुशील, निर्वाचन पदाधिकारियों की लापरवाही कही जाएगी, हर ईवीएम को चेक करके दुरुस्त किया जाता है तभी उन्हें चुनाव केंद्रों तक भेजा जाता है, लेकिन यहाँ कई जगहों पर इस तरह की शिकायत आई है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। बिल्कुल, देखिए इस जो नगर निकाय चुनाव से और जो इलेक्शन कमीशन को एक सबक लेना चाहिए कि इस तरह की विधानसभा की बात कर रहे हैं और लोकसभा की बात कर रहे हैं, इस उस चुनाव में आज तक ईवीएम मशीन तोड़ने की कहीं भी खबरें नहीं आई है, ना ही दिखाए हम लोग की मशीने ईवीएम मशीन तोड़ गया। लेकिन ये नगर निकाय का चुनाव में आप देख लें कि नवोच्छा जिला में, नवोच्छा पुलिस जिला में वहां पे दो मशीनें तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं और पुलिस जब मौजूद थी इसके बीच में और ईवीएम मशीन जो लगातार खराब हो रही थी, तो लोगों मतदाताओं में काफी आक्रोश का एक जुनून यहां पे देखने को मिला था कि काफी आक्रोश से, और शायद यही वजह रही कि मतदान प्रतिशत अन्य जिलों की तुलना में भागलपुर में कम देखने को मिला। धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स के लिए। हमारे संवाददाता रुपेश रूपम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए नालंदा से। जी रुपेश, वहां वार्ड वार का क्या नजारा दिखा दिन भर? देखिए नगर निकाय चुनाव पर जो काफी हलचल थी जिसके लेकर काफी पुलिस प्रशासन तैयारियां कर रही थी, लेकिन उन तैयारियों को आज जो देखा जाएगा तो पूरी तरह नकारा कर दिया वोटरों ने। वोटरों के कुछ बूथ लूट से लेके कई तरह की घटनाएं घटी जिसमें कई करीब 70 लोग बिहार सिर्फ नगर निगम से गिरफ्तार किए गए। यहाँ नगर निगम के एक और नगर पंचायत के 3 चुनाव हो रहे थे जिसमें नगर बिहार सिर्फ नगर निगम में मात्र 56% पोलिंग हो गए हैं। इसे देखा जा रहा है कि वोटरों का जो रुझान था मतदान करने के लिए वो पहुंच रहे थे, लेकिन वहां पर लगातार बोगस वोटिंग की शिकायत मिल रही थी और जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था किया गया था मात्र होमगार्ड हवाले बूथों को फोड़ दिया गया था, जिसके कारण जो है कई जगह से पथराव और छोटी मोटी घटनाएं की हर समय सूचना मिलती रही, जिसके कारण वोटर टर्न आउट नहीं हुए और वोटर का परसेंटेज लगातार गिरता चला गया। कई जगह पर वोट पथराव के कारण जो है करीब 8 लोग जख्मी भी हैं और अस्पताल में उन लोग का इलाज चल रहा। अभी सूचना मिली है कि एक दरोगा को भी मन पथराव के दौरान पत्थर से चोट लगने के कारण पूरी तरह जख्मी हो गए, उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। तो मैंने पूरा परिप्रेक्ष्य में चुनाव को देखा जाए तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो नदारद थी, वोटर अपने बल पर वोट डाल रहे थे, बस इतना ही कि वोट डालना है, वोट मत का प्रयोग करना है, इसके लिए कि वो वोट पहुंच रहे थे, लेकिन कोई सुविधा उन लोग को नहीं दी जा रही थी। जी रुपेश, धन्यवाद इन अपडेट्स के लिए।
सीवान की बात करें तो वहां नगर निकाय चुनाव में पुलिस और पब्लिक आमने सामने हो गई। वार्ड नंबर 5, 12, 22 और 3 समेत दर्जनों वार्ड में पथराव और लाठीचार्ज हुआ। पुलिस पर शादी के घर में घुसकर लोगों से मारपीट करने के भी आरोप लगे। मतदान खत्म होने के बाद सीवान में हालात काबू में हैं। घर में भी घुस के सब मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई, ऐसी सूचना आ रही है। दो कुत्तों में मारपीट हुई थी, उसके बाद जो भी हुआ गिरफ्तारी वगैरह हुई, आवश्यक कार्रवाई हो गई। इसके बाद ये लगता वहाँ कितने लोग कैसे गिरफ्तारी कर लिया गया है? अभी पूरे जिले में 3 जगह चुनाव हो रहे हैं, 3 वार्ड में कुल मिलाकर करीब 25-30 लोग डिटेंड है। इसमें कुछ लोग गिरफ्तारी हो गए और कुछ लोग बाकी चुनाव अवधि के लिए जिनको रखा गया है। उसके बाद में विजय राज से जानते हैं क्या वहां दिन भर चला जी। विजय, वार्ड वॉर के दौरान काफी अफरा तफरी रही सिवान इलाके में। बिल्कुल, तो बता दूं कि सिवान की बात की जाए तो सिवान में वोटिंग तो चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी। महिलाओं की काफी लाइन कतारें लंबी लगी हुई थी, काफी उत्साह थी खास करके महिलाओं में। लेकिन अचानक जब 2 घंटे बीते वोटिंग को, तो वार्ड नंबर 5 में कुछ दो पक्षों में गई, जिसको लेकर घायल भी हुए और कप्तान सौरभ कुमार को फोन किया और वहाँ पे काफी मतलब पुलिस पहुंच गई और फिर धीरे धीरे पकड़ लिया और पुलिस और लोगों में भी भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस लाठीचार्ज भी कर दी। उस दौरान करीब 25 लोगों को भी गिरफ्तार कर ली गई और भारी मात्रा में वहाँ पे पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हालांकि काफी मान मनोहन के बाद वहाँ पे समझौता हुआ और उसके बाद फिर दोबारा वोटिंग स्टार्ट हुई। लगभग 1.5 घंटा तक वहाँ के जो वोटिंग स्थल थी वहाँ पे रोक दिया गया था, फिर कुछ देर के बाद वहाँ पे वोटिंग स्टार्ट किया गया। जी विजय, क्या प्रतिशत बताया जा रहा है मतदान का? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि प्रतिशत की बात किया जाए तो काफी कम प्रतिशत सिवान में हुई है, क्योंकि इसलिए प्रतिशत कम हुआ है कि काफी देर तक वोटिंग रोक दिया गया। हालांकि अभी सूचना जिससे DPRO की तरफ से आया कि लगभग 65% यहाँ पे वोटिंग डाली गई है, जो कि कुछ कुछ जगहों पे काफी 5:30 बजे तक वोटिंग किया गया था, लेकिन पूरा रुझान अभी DPRO की तरफ से यानी जिला प्रशासन की तरफ से नहीं आ पाया है। लेकिन मैं बता दूं कि 5:00 कुछ मिनट तक जो वोटिंग हुआ और उस समय का 65% तो सिवान में कुछ जगहों पर हिंसक झड़प हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस की तत्परता दिखी और पुलिस ने हालात पर काबू पाया, लेकिन इस बीच मतदान की प्रक्रिया बाधित हुई। तो बिहार के करीब 35 जिलों में हुए नगर निकाय चुनाव के दौरान कई जगहों पर प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच भिड़ंत देखने को मिली। कई जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति भी बनी। कई जगहों पर EVM के खराब होने और EVM के तोड़े जाने की भी बातें सामने आई। हालांकि पुलिस ने इन तमाम चुनौतियों का तत्परता से सामना किया और मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया। इस दौरान मतदाताओं का अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला, तो कई जगहों पर मतदाताओं का आक्रोश भी दिखा। तो चुनाव के दौरान कई जगहों पर पुलिस और पब्लिक के बीच भी भिड़ंत हुई। पुलिस ने लाठियां भांजी भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो नालंदा में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी नहीं देखने को मिली। कई मतदान केंद्रों पर वोगस वोटिंग की बहुतायत शिकायत से मतदाता आक्रोशित नजर आए। हालांकि पूरे तौर पर अगर इस वार्ड वॉर को देखें तो छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और मतदान प्रतिशत भी अच्छा कहा जा सकता है।
भागलपुर को छोड़कर अन्य जिलों की बात करें तो 60 से 70% तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वार्डवार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।